13 में आपका स्वागत है। आज मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। मैं उस उप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। डिटेल में पूरा आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आपको उप्स का कॉन्सेप्ट पाइथन में कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उप्स आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो कि मैं हमेशा ही करता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। तो उप्स में देखिए मेजर जो चीज़ें हैं वो चार चीज़ें समझनी है आपको, क्लास, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स। तो वो यहाँ पे भी क्लास को हम समझें, और तो क्लास देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि एक ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया है जिसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। जैसे क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से क्लास होती है ना, कि आप क्लास 4 में पढ़ रहे हो, क्लास 3 में पढ़ रहे हो, लेकिन उस क्लास में भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि कई सारे बच्चे होते हैं, यानी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। यानी कि क्लास के अंदर होता है ऑब्जेक्ट, समझिएगा ना। कि एक क्लास मान लीजिए क्लास 12th है आपकी, इंटरमीडिएट है, और उसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे भी एग्जांपल लिया है कि एक क्लास है, यानी कि फोन जो है, ठीक है, जो फोन है वो एक क्लास है, लेकिन उसमें फिर जो अलग अलग कंपनी के फोन होते हैं, आईफोन ले लो, आईटेल विजन फर्स्ट ले लो, या फिर सैमसंग ले लो, जो भी ले लो, वो सारे जो फोन होते हैं वो ऑब्जेक्ट तौर पर काम करते हैं। कॉमन बात सब में क्या है कि सब मोबाइल फोन है, लेकिन अलग अलग क्या फर्क है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है कि सबका अलग अलग ब्रांड ब्रांड का नाम है, सबकी एक अपनी मतलब एक यूनिकनेस है। सैमसंग का अलग यूनिकनेस होता है, आप सब सब ब्रांड का अलग अलग यूनिक मतलब होता है ना। कोई ये तो नहीं होता कि सैमसंग और आईटेल एक ही जैसे होंगे, या फिर सैमसंग वन प्लस एक ही जैसे होंगे, सबका अलग अलग होता है कॉन्सेप्ट, सब अपने आप में एक अलग है। और अपने आप में अलग जो होता है वो पाइथन में कौन होता है, लिटरल्स होते हैं, और लिटरल्स में कौन आता है, लिटरल्स में आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कभी इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल। और कौन इम्यूटेबल होता है, और कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है, और होता है इंटीजर टाइप का डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है। और कौन सा टाइप इम्यूटेबल होता है, बूल टाइप का डेटा टाइप भी इम्यूटेबल होता है। और कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है, तो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप वो भी इम्यूटेबल होता है। तो समझ रहे हो ना, ऑब्जेक्ट को हम इंट, फ्लोट, बूल और जो भी एक बताया था आप देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप जो समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये चीजें आपको मैंने डिटेल में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। अब जल्दी से हम समझ लेते हैं एट्रीब्यूट और मेथड्स क्या होती हैं। एट्रीब्यूट्स को यदि हम कहें तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उसका कलर क्या है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, फोन की कलर क्या है, कॉस्ट क्या है, कैमरे कितने हैं, जीबी कितनी है, रैम कितनी है, ये सारे क्या है उसके एट्रीब्यूट हैं। मेथड्स क्या होती हैं, जैसे गेम को प्ले करना, वीडियो को प्ले करना, कॉल बनाना, मतलब कॉल सॉरी डायल करना, नंबर डायल करना, ये सारे उसके मेथड्स हैं। तो जो क्लास होती है ना वो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को मिलाकर के बनती है, और फिर हम उसे ऑब्जेक्ट के जरिए उन्हीं मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को हम कॉल करते हैं, ठीक है, और फिर उनको प्रिंट करते हैं। तो चलिए समझ गया हो गया आई होप आप सारा कॉन्सेप्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे क्लास किसके साथ, देखिए हम एग्जांपल बहुत ही खतरनाक लाए हैं, काफी दिमाग मेहनत लगाने के बाद बहुत ही खतरनाक एग्जांपल लाए हैं, जिसमें आपका एक एक एग्जांपल होगा लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, मतलब उसमें सब कुछ मिला जुला है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे पहली क्लास अपनी, किस तरह से क्लास बनाई जाती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। तो क्लास किस तरह से बनाई जाती है सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहली क्लास यहाँ पे बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ब्लैंक पेज हम ले लेते हैं, और ब्लैंक पेज अब हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे रेडी करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे और क्लास का हम नाम रखेंगे फोन, ठीक है, फोन से हमने स्टार्टिंग की थी, फोन वगैरह रख दिया। अब इसका फोन का जो कलर है वो क्या रखेंगे, उसका हम कलर रखेंगे ब्लू, ठीक है, क्या कलर रखेंगे ब्लू, और ब्लू को हम रख देते हैं स्ट्रिंग के अंतर्गत, है ना, ताकि बाद में एरर ना आए। और फिर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शन। तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और फंक्शन होगा प्ले म्यूजिक, प्ले म्यूजिक फंक्शन। अभी देखिए सारा कुछ आपके स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जब भी आप ये प्ले म्यूजिक को ऐसे बंद करोगे तो ये ऑटोमेटिक अपने अंदर सेल्फ को ले लेता है, ठीक है, सेल्फ को ऑटोमेटिक ये मेथड को उठा करके ले लेता है सेल्फ को, तो ये ऑटोमेटिक रहेगा, ठीक है। ये हमेशा आपका जब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे सेल्फ अंदर मिलेगा ही मिलेगा, इसको बता नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पहले मैं बता दूं। फिर क्या, मैंने एक प्ले म्यूजिक का डिफाइन किया फंक्शन, ठीक है, प्ले म्यूजिक से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, और जब भी मैं प्ले म्यूजिक को कॉल करूं तो क्या हो जाए, एक गाना बज जाए,
तो कौन सा बज जाए, तो यहाँ पे कोई भी गाना ले लेते हैं। खैर छोड़िए, अपना है अपना पुरानी परंपरा ले लें, तो सारी गम, तो यहाँ पे फाइनली हमने एक गाना ले लिया, ठीक है। और ये है अरबों खरबों जमाने पुराने का, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट की बात करें, हम फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं, और फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, तो एक फंक्शन और हम बना लेते हैं, प्ले वीडियो। तो प्ले वीडियो, वीडियो ठीक है, प्ले वीडियो का हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। और देखिए जब मैंने फिर किया, तो फिर भी इसने सेल्फ को अपने अंदर समेट लिया, तो ये हमेशा ही होता रहेगा, ठीक है, ये होगा ही होगा। और फिर हम क्या करेंगे, अब जब फ्रेंड प्ले वीडियो को कोई कॉल करे तो क्या हो जाए, तो इसको भी एक दे देते हैं, कुछ प्रिंट करवा देते हैं, इनोवेट इंडियाज, इनोवेट इंडियाज चैनल्स वीडियोज, इनोवेट इंडिया यूट्यूब चैनल्स वीडियो, YT चैनल्स वीडियोज। खैर छोड़िए, तो यहाँ पे हमने इसको बना दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम वेरिएबल के अंतर्गत स्टोर करवा देते हैं, ताकि बाद में लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा ना हो। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं, इधर से भी बंद कर देते हैं, इधर से भी ताला लगा देते हैं, तो लॉक यहाँ पे लग चुका है। और हम नेक्स्ट और फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, है ना, तो चलिए कर लेते हैं। तो अब हम देखिए, अभी जो हमने ये दो फर्स्ट फंक्शन जो बनाए हैं, डिफाइन करे हैं, इनमें आपने एक चीज देखी, जो मैंने प्ले म्यूजिक रखा है ये क्या है, मेथड है, ठीक है। और प्ले वीडियो क्या है, यह भी मेथड है। अभी तक हमने एक भी जो एट्रीब्यूट है उसको लेकर के नहीं बनाया फंक्शन, चलिए अब उसको भी बना लेते हैं, ताकि एक ही, मैंने कहा था ना, एक एग्जाम्पल लूंगा और सारे डाउट डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सो कलर, सो कलर, सो कलर और सेल्फ, ठीक है। अरे सॉरी, एक बार मैंने अंदर आ चुका है सेल्फ, तो सो कलर सेल्फ किया, और इसको जब प्रिंट किया जाए, और इसको जब प्रिंट किया जाए, तो सेल्फ डॉट कलर। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, दरअसल समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम कलर, इसके अंतर्गत कलर हम लेंगे, तो कलर हम कहाँ से उठाएंगे, अब ये हमेशा याद रखिए, जो ये ऊपर हम कलर है इसको उठाएंगे उठाएंगे, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही रख दिया है, ठीक है, कलर। लेकिन इस कलर को हम ऐसे नहीं उठा सकते हैं कि बस मैं यहाँ पे कलर रख दूँ और आप सोचो कि यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कभी नहीं प्रिंट होगा। मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इस कलर को उठाना है, ये कलर ब्लू है जो, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेल्फ से, इसको सेल्फ डॉट कलर करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ये कलर जो है वो प्रिंट होगा। यानी कि जब आप सेल्फ डॉट कलर करोगे, तब आपकी जो ब्लू है ये आपका प्रिंट हो जाएगा, जब आप सो कलर को कॉल करोगे, ठीक है। ये मॉड्यूल वाले में मैंने आपको पढ़ाया है, तो उम्मीद करता हूँ वो देखे होगे तो समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इसलिए कहता हूँ पिछले सारे एपिसोड देख कर आइए, इस एपिसोड 13 पर यदि पहुंच गए हो तो पिछले सारे एपिसोड देख कर आइए, समझ आता रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कॉल किया जाता है, सही तरीका क्या होता है, सेल्फ डॉट कलर करना है, ना कि आपको कलर कर देना है, वरना आपका ब्लू ब्लू जो है वो नहीं आएगा, मैं पहले वक्त बता देता हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, ये भी एट्रीब्यूट की तरह ही बनाते हैं, सेट कास्ट करते हैं। तो सेट कास्ट मैंने किया, और सेल्फ सेल्फ की, अरे यार बार बार मुझसे लिख जाता है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्फ सेट और क्या कर देता हूँ, कास्ट। तो सेट कास्ट मैंने कर दिया, और सेट कास्ट में चूंकि मैं अपनी तरफ से वैल्यू दूंगा, तो इसलिए मैं इसके अंतर्गत रख दिया हूँ, ठीक है। और जब मैं जो भी वैल्यू पास करूंगा, वही वो सेट कर देगा कास्ट, और सेट कास्ट तो हो ही गया। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि जब ये प्रिंट हो, तो मुझे सो कास्ट की तरह दिखाए, कि मतलब कास्ट जो है, कास्ट की मतलब कीमत, तो समझ रहे होगे ना, इतना भी आपको पता तो हो ही गई कि सेट कास्ट मैंने किया। अब मैंने सो कास्ट, जब मुझे मैं वैल्यू इसमें दूँ, कोई भी मतलब कीमत दूँ, तो ये मुझे सो कास्ट में दिखा दे। और वो कैसे दिखेगा, हम कॉनकैटिनेट कराएंगे, चूंकि स्ट्रिंग है ना, तो कॉनकैटिनेट का होता है। वह देखिए अभी पूरा समझ आ जाएगा, जब मुझे ये कोडिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो इसलिए। तो देखिए मैं यहाँ पे सेट कास्ट कर देता हूँ, और फिर जो है ये आपका हो जाएगा। देखिए मैंने प्रिंट क्या किया है, सेट कास्ट, यानी कि सेट कॉस्ट, देखिए इसे नहीं प्रिंट कर देगा, हम जब एक वैल्यू पास करेंगे डबल स्क्वायर के अंतर्गत, डबल जो स्मॉल ब्रैकेट उसके अंतर्गत एक वैल्यू पास करेंगे, तो सो कॉस्ट और ये जो सेट कॉस्ट की जगह पर हम जो वैल्यू देंगे वो प्रिंट हो जाएगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अभी जब बन जाने दो पूरा। तो
तो जो है थोड़ा इंतजार करो, सब्र का फल मीठा होता है। अब हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस जो जो ये हमने क्लास बनाई है इसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रख देंगे। क्लास क्या है, हमारी फोन है, तो इसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रख देते हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट से मतलब एक क्लास को आप कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक ही बनाता हूँ, आप चाहो तो ओबीजी वन बना सकते हो, ओबीजी थ्री बना सकते हो, ठीक वही रहेगा। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्लास भले ही एक हो लेकिन ऑब्जेक्ट आप कई सारे बना सकते हो, लेकिन मैंने एक ही बनाया है ओबीजी, ताकि दुनिया का करेंगे क्या, बस आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, जो फोन को है वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट से देखिए, जब फोन जो है, फोन क्लास है, वो ऑब्जेक्ट के डिब्बे में चली गई है। अब ऑब्जेक्ट के डिब्बे से हम चाहे जो भी निकाल लें, अब तो फोन जो है क्लास वो ऑब्जेक्ट में चली गई है, तो ऑब्जेक्ट से हम कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे एक्सेस किया जाता है, वही तो देखने वाली चीज है। तो चलिए यहाँ पे एक एक चीज करके एक्सेस यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या एक्सेस करेंगे, प्ले म्यूजिक करते हैं एक्सेस। तो ओबीजे डॉट प्ले म्यूजिक, प्ले प्ले म्यूजिक, और ये गया प्ले म्यूजिक, और यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखिए जो फोन के जितने भी, फोन के जो क्लास के जितने भी फंक्शन थे, ये जितने मैंने डिफाइन किए थे, अब ये चूंकि क्लास फोन की क्लास में थे, लेकिन अब मैंने फोन को इक्वल टू कर दिया है ऑब्जेक्ट, यानी कि अब ये फंक्शन जो है सारे फोन के वो ऑब्जेक्ट में चले गए हैं। ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एक एक फंक्शन को एक्सेस करूंगा। तो सबसे पहले मैंने प्ले म्यूजिक को एक्सेस किया है, देखिए ओबीजे डॉट प्ले म्यूजिक मैंने कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, प्ले वीडियो करूंगा, इतने तो समझदार होंगे ही। तो अब मैं क्या करूंगा, ओबीजे डॉट प्ले म्यूजिक, प्ले वीडियो, सॉरी वीडियो, तो वीडियो, और वही चीज। फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा सो कलर, तो ओबीजे डॉट सो कलर, ओबीजे डॉट सो 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 कलर, और ये भी क्लोज किया। अब मैं क्या करूंगा, अब है फाइनल कास्ट। तो कास्ट जो है हमने उस समय दी नहीं थी, हम कास्ट इसमें बीच में पास कर देंगे, तो कास्ट भी जो है वो शो कर देगी हमें, क्योंकि हमने उसको अलग से कॉन्कैटिनेट कराया है स्ट्रिंग दे करके। अभी समझ आ जाएगा सारा कुछ, बस मुझे कोडिंग हो जाने दो, और समझाने की गारंटी तो रहती ही है। और देखिए यहाँ पे जो है कास्ट का मैं सही दे दूँ, और कास्ट हाँ ठीक है। अब ये देखिए मैंने दो स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसके अंतर्गत मैं कॉस्ट दे देता हूँ, तो कीमत निर्धारित कर देता हूँ। तो मान लीजिए 6500 मैंने कीमत दे दी। तो आप पूरा माजरा पहले समझ लीजिए, फिर मैं यहाँ पे इसको रन करवाता हूँ। मैंने क्या किया, समझ रहे होगे, वैसे भी समझ गए होगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतने कायदे में मैंने समझाया, मुझे भरोसा है समझ गए होगे। लेकिन देखिए सबसे पहले मैंने क्या बनाया, आप समझिए ध्यान से। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, किसकी क्लास बनाई, फोन की क्लास बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कलर जो है ब्लू दे दिया इसका, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, चार फंक्शन मैंने बनाए, ठीक है, जिसमें से शुरुआत के जो दो फंक्शन थे उनमें मैंने खासकर ध्यान दिया कि इसमें मेथड्स कवर हो जाए, इसलिए मैंने प्ले म्यूजिक प्ले वीडियो का बनाया, ठीक है। प्ले म्यूजिक को भी हम कॉल करेंगे तो ये सारे गाँव पर हो जाएगा, और प्ले वीडियो करेंगे तो इनोवेट इंडिया बाइटी चैनल जो वीडियो है ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट का भी ध्यान रखा है। फिर मैंने शो कलर किया, तो जो शो कलर जब मैंने डिफाइन किया, तो शो कलर अब ऐसे तो है नहीं किसको हम कलर मतलब कहाँ से कलर लाएंगे, तो हमने क्या किया, हमने सोचा ये जो यहाँ पे रखी है वैल्यू इसी को उठा लेते हैं ब्लू। तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने कलर नहीं लिखा, देखिए यहाँ पे कलर लिखा है, लेकिन जब आपको इसको एक्सेस करना है तो आप ध्यान रखिए कि सेल्फ डॉट आपको लगा करके एक्सेस करोगे तभी होगा ये ब्लू एक्सेस, वरना आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो सो कलर को जब भी हम कॉल करेंगे तो जो ये प्रिंट करेगा वो सेल्फ डॉट कलर अर्थात ब्लू को प्रिंट कर देगा, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने लास्ट और डिफाइन किया फंक्शन जिसमें मैंने कास्ट मैंने सेट की, किस कास्ट में सेट कर दूं, तो उस केस में क्या हुआ, मैंने सेल्फ के साथ एक सेट कास्ट और लगा दिया, ठीक है। तो सेट कास्ट जो है वो जो है आपको स्क्वायर जो स्मॉल ब्रैकेट होंगे उसके अंतर्गत आपको वैल्यू पास करने की पड़ेगी। ये देखिए सेल्फ जो इतना है ये सब बकवास का होता है, बस आपको सेट कास्ट पे ध्यान रखिए, ठीक है। सेट कास्ट पे आपको ध्यान रखिए, यानी कि आपको एक वैल्यू बस पास करनी है और आपकी सेट कास्ट हो जाएगी। फिर मैंने क्या सोचा कि प्रिंट जब ये हो तो इसमें सो कास्ट लिख के आए, सो करे, लेकिन कास्ट हम ही देंगे, तो सो कास्ट सिंपल सा है, कॉन्कैटिनेट करा दो, सो कास्ट ये मैंने ऐसे ही लिख दिया और स्ट्रिंग के अंतर्गत कर दिया, कामा लगाया। तो इससे क्या होगा, कामा लगाने से कि सो कास्ट में जो भी हम देंगे तो सो कास्ट की में जुड़ जाएगी वो कास्ट। तो मैंने क्या किया, देखिए सेट कास्ट ये जो कॉलिंग फंक्शन था उसको मैंने देखिए यहाँ पे लिखा ओबीजे डॉट सेट सेट कास्ट, और फिर मैंने 6500 लिख दिया, तो ये जो 6500 है ये जुड़ जाएगा सो कास्ट में, समझ गए हो गया, ठीक है। बहुत मैंने आपके साथ बेपरवाही करवा लिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने फोन को जो है
ऑब्जेक्ट के अंतर्गत स्टोर करवा दिया, यानी कि अब फोन के जितने भी फंक्शन थे वो सारे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत चले गए और फोन भी चला गया। अब मैं ऑब्जेक्ट की सहायता से जो कोई भी फंक्शन जाऊंगा उसको कॉल कर लूंगा, चलिए इसको रन करवा देते हैं, देखते हैं रन होता है या नहीं। तो इसको मैंने रन किया और फाइनली यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे सारे जो है वो प्रिंट हो चुके हैं, सारे गामा इनोवेट इंडिया वाई टी चैनल ब्लू और सोकास्ट 6500 सारे कुछ प्रिंट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भेजा मैंने आपके साथ लड़ाया काफ़ी कुछ काम आपके आया होगा। और चलिए अब नेक्स्ट आपके टॉपिक उठा लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एक क्लास को हम कंस्ट्रक्टर की सहायता से कैसे बना सकते हैं और कंस्ट्रक्टर की सहायता से कैसे क्लास को बनाया जाता है, तो इस पे भी चलिए चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि चर्चा पे पर्चे बटने ही चाहिए। तो चलिए अरे यार, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपने पाइचाम आईडी पे चलता हूँ और यहाँ पे ये जो सारा कुछ बवाल है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे डिलीट किया, तो क्लास एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। तो क्लास कंस्ट्रक्टर में दरअसल होता है कि इसमें आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जिसमें आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े फंक्शन की सहायता से, ठीक है, या फिर मेथड एट्रीब्यूट की सहायता से आपको कॉल करने की जरूरत ना पड़े और ऐसे ही मतलब प्रिंट हो जाए, उसको हम देखते हैं कैसे होता है ये, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाई यूट्यूब के नाम से, ठीक है, यूट्यूबर के नाम से मैंने एक यूट्यूबर के नाम से क्लास बनाई। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिफाइन कर लेता हूँ, और देखिए कंस्ट्रक्टर को आपको बनाते समय ध्यान रखना है कंस्ट्रक्टर हमेशा इनिट से बनता है। ये देखिए वही स्पेशल रिजर्व वर्ड था जो मैंने कहा था इसको कभी यूज नहीं करना वेरिएबल में, तो वही आज यूज आपको देखने को मिलने वाला है। तो इनिट से इनिट कीवर्ड से आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। तो अब इसमें मैं पास कर देता हूँ नेम और यूट्यूबर की एज और चैनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पास हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि सेल्फ डॉट नेम कर देता हूँ, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट नेम, नेम का एन मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ खास आपको ध्यान रखनी है क्योंकि नेम ऊपर मैंने बड़ा बनाया था। और सेल्फ डॉट एज और एच और सेल्फ, देखिए उसको हम कॉल करते हैं ना, तो चैनल्स, तो फाइनली हमने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। सेल्फ डॉट एम, सेल्फ डॉट एच, सेल्फ डॉट, हाँ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ एक और फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और उसमें क्या क्या करूँगा, सो यूट्यूबर डिटेल्स, सो यूट्यूबर्स यूट्यूबर 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 डिटेल्स, सो यूट्यूबर डिटेल्स और सेल्फ, सो यूट्यूबर डिटेल्स सेल्फ, आई एम राइट, और प्रिंट, प्रिंट में क्या कर देता हूँ प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट और नेम ऑफ यूट्यूबर इच, देखिए वही कॉन्कैटेनेशन है, ठीक है, और उसी का मैं यूज कर रहा हूँ ताकि ये जो मैं वैल्यू दूँ उसके साथ ये पहले से ही लग जाए, नेम ऑफ यूट्यूबर इच, ये कॉन्कैटेनेशन होता है ना, तो फिर ये सिंपल सा आपको तो समझ आ ही होगा। देखिए अब मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करूँगा, देखिए जब सो यूट्यूबर डिटेल में कॉल करूँ तो उसके साथ ये सारी चीज़ें कॉल हो जाएं, तो इसमें पहला जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा नेम ऑफ यूट्यूबर इज, तो क्या नाम है, ये वैल्यू तो अपनी तरफ से मैं दूंगा ना, तो कहाँ से ये वैल्यू दूंगा, ये मैं उठाऊंगा सेल्फ डॉट नेम से, यहाँ से मैं कॉल करूँगा सेल्फ डॉट नेम, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर रख दूंगा सेल्फ डॉट नेम, तो जब मैं वैल्यू दूंगा तो इसी के साथ जुड़ जाएगी, कॉन्कैटेनेट हो जाएगी, समझ रहे हो ना, हाँ, सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ प्रिंट, प्रिंट, अब देखिए मैं थोड़ा और बवाल इसके सामने लिख देता हूँ ताकि कायदे में अच्छा लगे एकदम, है ना, एज ऑफ यूट्यूबर, यूट्यूबर इज, एज ऑफ यूट्यूबर इज, एज ऑफ यूट्यूबर इज, एज ऑफ यूट्यूबर इज, क्या करो, हाँ दरअसल मैं भी भूल जाता हूँ ना, दिमाग उधर उधर लग जाता है, सेल्फ डॉट एज, तो सेल्फ डॉट एज मैंने दिया फाइनली, और प्रिंट मैं दूसरा करता हूँ, और अब क्या है यूट्यूबर के चैनल के जो नाम है वो मैं देता हूँ, चैनल्स, चैनल्स और, और ये देखिए मैं बवाल जो है ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि कायदे में देखने में लगे एकदम, है ना, मस्त एकदम, तो हाँ, तो सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट 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 चैनल्स, ऊपर से मैं उठा रहा हूँ सारे कुछ, देख लीजिए मैं
यहीं से उठा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पे जो है मैंने चैनल से नहीं दिया है, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हैं? हाँ अब सही है। तो सेल्फ डॉट चैनल, हाँ ऑल राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत यूट्यूबर को डर देता हूँ, है ना। और तो अभी यूट्यूबर जो क्लास थी उसको मैं ऑब्जेक्ट में रख देता हूँ, और ऑब्जेक्ट में चूंकि मैं रखूँगा तो इसमें मैं क्या करूँगा, अब सारी वैल्यू भी सबकी पास कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यू कैसे पास की जाएंगी, तो मैं सबसे पहले इसका नाम दे देता हूँ, इसी जो ब्रैकेट है इसके अंतर्गत मैं नाम सबसे पहले दूंगा। तो नाम देखिए देते समय ध्यान रखना है कायदे कानून में, देखिए यूट्यूबर का मैंने नाम दे दिया, और स्ट्रिंग के अंतर्गत देखिए ध्यान रखना है, उसको बताना जरूर है कंस्ट्रक्टर को, कंपाइलर को, कि क्या किस तरह के डेटा टाइप है। तो नाम जो होता है वो स्ट्रिंग में होता है ना, तो हालांकि हो भी सकता है किसी का 72 सिंह 73 सिंह, तो वो इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है ना। मजाक कर रहा हूँ, खैर चलिए। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एज उम्र है वो लिख लेता हूँ, तो एक कामा लगाया और मैंने 18 ईयर एज रख ली, और चैनल के नेम लिख देता हूँ, तो पहला अपना पहला सर क्रिप्टो वाला, और ठीक है दूसरा इनोवेट इंडिया जिस पे आप देख ही रहे होंगे वीडियो, और तीसरा 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 क्या है, शरद कटियार। तो ये हो गए अपन के 3 यूट्यूब चैनल्स फटाफट। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें कायदे कानून में ये एरर आ रहा है, इसको मैं एक स्ट्रिंग के अंतर्गत रख देता हूँ। तो ये देखिए मैंने जैसे रखा, बवाल नाम की चिड़िया यहाँ से उड़ गई, तो खैर जो भी हुआ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कल, अब देखिए मैंने सारी वैल्यू दे दी हैं, ये जो यहाँ पे नेम एज चैनल्स था, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी हैं एक सीध में कामा के अंतर्गत रखते हुए। अब मैं किसको कॉल करूँगा, जब चूंकि इसकी वैल्यू मैंने दे ही दी है तो कॉल कर लेते हैं, फिर आ जाओ मैदान में। सो यूट्यूबर डिटेल्स, तो चूंकि देखिए यूट्यूबर जो क्लास की सारी चीजें ऑब्जेक्ट में जा चुकी हैं, तो मैं ऑब्जेक्ट की सहायता से ही इसको कॉल कर देता हूँ। सो यूट्यूबर डिटेल्स, और सेल्फ डॉट नेम की जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे दे ही दी है, सेल्फ डॉट एज की यहाँ पे मिलाई गई है, 18 सेल्फ डॉट चैनल की यहाँ पे मिलाई गई है, फिर देख किस बात की है। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैनल वीडियो। खैर ओबीजी, और यहाँ पे ओबीजी हो गया, और डॉट लगाया, और सो जाओ यूट्यूबर डिटेल्स सो यूट्यूबर डिटेल्स, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। तो हाँ काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करवा देता हूँ बिना देर लगाए, तो रन हो जाए प्रभु गड़बड़ ना होए। हाँ गड़बड़ हो गया गड़बड़। सो फाइनली गाइस यहाँ पे जब देख सकते हो, यहाँ पे जो एरर आ रही थी वो एरर आ रही थी सेल्फ की वजह से, जो सेल्फ था ना यहाँ पे जो वर्ड था सेल्फ दो बार लिखा हुआ था, गलती से लिख गया होगा टाइपिंग के समय। तो यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे सब ठीक है, ऑल इज वेल, वही कोडिंग है, बस यहाँ पे सेल्फ की गड़बड़ थी। चलिए इसको रन करवा देते हैं, रन, और यहाँ पे रन देख लीजिए आपके सामने जो है नेम ऑफ यूट्यूबर इच एज ऑफ यूट्यूबर इच चैनल्स आर प्रिंटेड फाइनली डन। और उम्मीद करता हूँ आपको जो ये वीडियो है पसंद आया होगा उप्स का, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएंगे जिसमें सारे जो भी बचे हुए टॉपिक हैं वो भी कवर हो जाएंगे, जिसमें हम इनहेरिटेंस और इनहेरिटेंस के साथ ही हम जो है ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग को भी देखेंगे। खैर चलिए टॉपिक को एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें यदि आपको इसी तरह के बेस्ट वीडियो चाहिए हो, और जितना ज़्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, गुड नाइट।